हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जी के मान में परिवर्तन। इसका केस नंबर वन हमने देख लिया था इसके पहले के टॉपिक में कि पृथ्वी के केस नंबर वन में क्या था। ये पृथ्वी है तो पृथ्वी से ऊंचाई के कारण कोई वस्तु एम मास का ऊंचा पृथ्वी के ऊपर गया है, ऊपर है, कुछ हाइट एच है, इसका पृथ्वी का रेडियस त्रिज्या आर है। तो हाइट के कारण, ऊंचाई के कारण जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, ये हमारा केस नंबर वन था। आज हम पढ़ेंगे केस नंबर टू। केस नंबर टू में क्या है, पहले हमने हाइट वाला पढ़ा था, अब हम अंदर जाएंगे। पृथ्वी में गहराई के कारण, पृथ्वी के सतह से गहराई के कारण जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो चलिए इस टॉपिक को हम करते हैं कि गहराई होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा। ये हमारा पृथ्वी है, इसकी त्रिज्या आर हम मान लेते, रेडियस, ये रेडियस है आर। पृथ्वी का मास कैपिटल एम है, ठीक है। अब इसके पहले के लेक्चर में हम ऊंचाई पे गए थे ना, अभी गहराई में आएंगे। कोई चीज़ पृथ्वी के अंदर यहाँ पे आ गया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, गड्ढा खोद के कैसे भी यहाँ आ गया, उसका मास स्मॉल एम है, ठीक है। तो कितना अंदर आया, जितना अंदर आया वो डेप्थ हुआ, गहराई यहाँ तक अंदर आया ना, ये सेंटर है, यहाँ तक अंदर आया। तो ये क्या है, ये डी है, डेप्थ, डी डेप्थ मतलब गहराई, इतना अंदर आया, और ये आर, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए, चारों तरफ रेडियस, यहाँ पे आर ले लीजिए, आर, ठीक है, ये पूरा आर है, यहाँ तक गहराई है, जहाँ तक आया है, ये मास एम जहाँ पे है कोई वस्तु, वहाँ तक डेप्थ डी है, ठीक है। तो जब भी कोई वस्तु पृथ्वी के गहराई में आएगा, गहराई में अगर हम मेज़र करेंगे तो वहाँ पे जी का वैल्यू, जी डैश, यहाँ पे जी डैश मान लेते हैं, पृथ्वी की सतह पे तो जी माना था हमने, और कितना था, जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, ये था ना पृथ्वी के सतह पर। गहराई के कारण यहाँ पे जी डैश मान लीजिए, तो जी डैश का वैल्यू हो जाएगा जी, ये वाला जी, ब्रैकेट में वन, माइनस ये डेप्थ, कितना डेप्थ है, कितना गहराई में गया, डी अपॉन आर, रेडियस, त्रिज्या। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला से हमें क्या पता चला, क्या कंक्लूजन निकलता है, यहाँ पे भी यही कंक्लूजन निकलता है कि पृथ्वी के गहराई में अगर हम जाएंगे तो जी का मान घटेगा। क्या कंक्लूजन निकलता है, तो क्या कंक्लूजन निकला यहाँ पे, ये है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन निकला कि पृथ्वी के सतह से गहराई के कारण स्मॉल जी का मान घटता है। तो हमने केस वन में क्या स्टडी किया था, केस वन में स्टडी किया था हमने कि पृथ्वी है, ये केस वन का पृथ्वी लिया हमने, ये केस टू का पृथ्वी लिया हमने, ठीक है। देखिए केस वन और केस टू दोनों का पृथ्वी हमने ले लिया। तो ये केस वन में क्या था, हाइट ऊपर था ना, पृथ्वी के सतह से ऊपर था, जब सतह के ऊपर रहेगा और जब सतह के गहराई के अंदर, पृथ्वी के अंदर रहेगा, गहराई में रहेगा, तो चाहे ऊपर रहे चाहे अंदर रहे, कहीं पे भी रहे, जी का मान घटता है। ये याद रखिए आप, पृथ्वी के सतह से ऊंचाई के कारण भी जी का मान घटता है, और पृथ्वी के सतह से गहराई के कारण भी जी का मान घटता है, दोनों केस में जी का मान घटता है, ठीक है। और पृथ्वी के सतह पे जी का मान कितना होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पृथ्वी के सतह पर। और सतह के अंदर जाएंगे तो भी घटेगा, सतह के ऊपर जाएंगे तो भी घटेगा। एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड रिमेम्बर फॉर एग्जाम, ओके। तो यहाँ पे हमारा केस टू कम्प्लीट होता है। मैं आपको केस टू कम्प्लीट होने के बाद एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, अगर कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर हो, एकदम केंद्र पे, सेंटर पे है, पृथ्वी का सेंटर भी यही है, और ये वस्तु, छोटा वाला वस्तु जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है आपको, ये छोटा वाला वस्तु, इसका भी केंद्र यही है, दोनों का केंद्र एक ही है, सेंटर दोनों का एक ही है। तो कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी के सेंटर पे हो तो क्या होगा, तो आप देखिए, जब ऐसा था, ये यहाँ था, तो यहाँ पे हम डी करते थे कि ये वस्तु पृथ्वी में यहाँ पे है, इतनी गहराई में है, गहराई को डी लिखते थे, डेप्थ, डेप्थ, डी ई पी टी एच, डेप्थ मतलब गहराई, तो इसका डी लेते थे, इतना है। यहाँ पे डेप्थ कितना है, यहाँ पे देखिए डी कितना है,
ये वस्तु तो पूरा सेंटर पे ही है, तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक गहराई हुआ इस वस्तु का। ये वस्तु कितना अंदर है, कितना गहराई में है, ये यहाँ पे इतना गहराई में, तो और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, अगर सेंटर पे आ जाएगा तो ये इतना गहराई में है। देखिए डी इसका कितना है गहराई, तो इसका गहराई कितना है, नोटिस किया आपने कितना है, तो इसका गहराई जो है ना वो आप देखिए इसके त्रिज्या के बराबर है, इसके रेडियस के बराबर है। इतना ही रेडियस भी है पृथ्वी का और इतना ही गहराई भी है इस वस्तु का। कितना अंदर है, कितना गहरा है, कहाँ तक गया है, तो इसका डी और आर दोनों सेम है। तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था ना जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस डी बाई आर, ये फॉर्मूला था गहराई के कारण। तो गहराई के कारण इसी फॉर्मूला में इस वैल्यू को पुट करिए। यहाँ पे डी और आर दोनों सेम है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं डी इक्वल टू आर लिख सकते हैं ना। तो जी डैश इज इक्वल टू ये डी की जगह आर रखिए या आर की जगह डी रखिए, दोनों बराबर है। तो वन माइनस डी बाई डी, ये डी तो है ही डी, जो रेडियस है वो भी डेप्थ के बराबर है, तो ये भी डी आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों कट जाएगा, डी से डी कट गया, तो यहाँ वन आएगा। जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस वन, जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस वन जीरो। तो जी डैश इज इक्वल टू जीरो से कोई भी डिजिट हो, कोई भी चीज़ हो, जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या आंसर आता है, जीरो। तो पृथ्वी से अगर कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर हो तो उसका ग्रेविटी जीरो हो जाता है, ठीक है। समझ में आया कैसे जीरो हुआ, तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान शून्य होता है, कितना होता है, शून्य होता है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, इसके बाद हम केस नंबर 3 स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टॉपिक नंबर 3, ये था हमारा केस 1 एंड केस 2, ओके। धन्यवाद।